एक जो अदाकार और कलाकार होता है उसको कभी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है, वो ऑन द स्पॉट सब कुछ करता है। तो मेरे हिसाब से जहाँ जाओ वहाँ पर धूम मचा दो और कुछ सोच समझ के मत जाओ। तो हम लोग अदाकारा, ये जैसे हम लोग कलाकार हैं तो हम लोगों को अंदर घुसते ही अपने उसमें शख्सियत में घुस जाना चाहिए कि भैया हमें ये सब करना है, तो कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, करने वाले दोनों आप कामिया तो मेरी जा रहे हैं आज, मतलब मैं उनसे मिलने के लिए खास तौर पे मैं उनसे ही मिलने के लिए आई हूँ यहाँ पर, और मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि वो आज मुझसे मिल रही हैं। ओहो, नहीं वाकई में ये जब से बिग बॉस से बाहर निकली ये बहुत बिजी है, इनके पास टाइम नहीं था। और आज क्योंकि मैं इस तरफ आई हूँ, मैं नायगांव में शूट करती हूँ, इस तरफ मेरा आना होता नहीं है, तो मैंने कहा ये मौका मैं हाथ से नहीं गवा सकती। जी नहीं, बिजी है, ये शूट पे रहती है। पर जो भी है, जब कहते ना, जब शिद्दत से आप किसी चीज को चाहो तो वो हो ही जाती है, और आज मिल गई। हाँ, आज तो मिल गई फाइनली। पूछेंगे बातें हमने कई बार की है और आज पहली बार मिले हैं। हम आज पहली बार मिले हैं, पहली बार फोन पे बहुत बात की है, लेकिन आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रूबरू हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, विकास तो हम लोगों का बहुत करीब। बिल्कुल, ये वजह ही है कि आज मैं अर्शी को जानती हूँ और इतनी एक्साइटेड थी इससे मिलने के लिए। विकास ही वजह, क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकली थी, आई थिंक सबसे पहले मैसेज मैंने इनको किया था। बिल्कुल। मैंने कहा था, हेलो, मेरा नाम काव्या पंजाबी है और हाँ, मैं विकास की दोस्त। इंट्रोडक्शन में मैंने कहा मैं आपको जानती हूँ, आप काव्या जी हैं। तो हाँ, विकास डेफिनेटली है। मैंने बात अर्शी से विकास की वजह से की थी, लेकिन जो हमारा कनेक्शन है वो हम दोनों की वजह से है ना। बिल्कुल,